एक सितंबर से शहर में शुरू हुई अभिनव पहल के तहत आज माह के दूसरे रविवार को स्थानीय सुगन चौराहे पर आयोजित हुआ सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों व सेना अधिकारियों का किया सम्मान। आज शहर में मौसम रहा सुहाना व हुई तेज बारिश। चाचौड़ा को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर आज फिर विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को लिखा गया पत्र। सत्यवादी वीर तेजादशमी का महापर्व मना बीनागंज में। तेज बारिश होने के बावजूद भी विधायक लक्ष्मण सिंह पहुंचे तेजाजी के दर्शन करने व किया आशीर्वाद प्राप्त। कल क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर केपी यादव 9 सितंबर को डोल ग्यारस के अवसर पर व कई धार्मिक आयोजनों में होंगे शामिल। अध्यापक संघ ने अपने सातवें वेतन मांग व अन्य मांगों को लेकर रखी बैठक व सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए किया विचार विमर्श। जी बताएं, आज आपने बैठक रखी गई है। आज की बैठक के आयोजन का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि गत अप्रैल 2018 में हमारे लगभग हमारे जिले के 100 से 150 अध्यापक अपनी 12 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके थे। 12 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद इन लोगों को क्रमोन्नति का लाभ मिलना चाहिए था। 2019 आ चुका है और 2019 में भी अब और कई सारे अध्यापक ऐसे हो चुके हैं जिनको 12 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है और उनको क्रमोन्नति का लाभ मिलना चाहिए। कुल मिलाकर 2018 और 2019 में यदि देखा जाए तो लगभग हमारे जिले के 250 से 300 अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी 12 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली और उनको क्रमोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। हम विगत एक वर्ष से निरंतर 5 बार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को और 3 बार आदरणीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दे चुके हैं क्रमोन्नति के लिए, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई प्रशासन की ओर से नहीं हुई। तो आज मजबूरी वश हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और क्रमोन्नति को लेकर और हमारे सातवें वेतनमान को लेकर और अन्य भी मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर एक बैठक आयोजित कर रहे हैं। इस बैठक में सभी से विचार विमर्श किया जाएगा कि अब आगे की जो हमें कार्रवाई करना है क्रमोन्नति की, वो शांतिपूर्वक ढंग से करना है या आंदोलन के रूप में करना है। जैसा भी हम सबका विचार होगा कि हमें आंदोलन की ओर अग्रसर होना है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आगामी एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर यदि हमारी मांगें पूरी हो जाती हैं माननीय जिलाधीश महोदय आदरणीय जिला पंचायत सीईओ या जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से, तो हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा हमें 25 तारीख के बाद आंदोलन की राह पकड़ना पड़ेगा और हो सकता है कि ये आंदोलन उसी दिन समाप्त हो जिस दिन हमारे हाथ में क्रमोन्नति के आदेश प्लस सातवें वेतनमान के आदेश और बीच में अन्य जो विसंगतियाँ भी जिले में व्याप्त हैं इनके आदेश मिल जाएंगे, तब जाकर शायद वो आंदोलन समाप्त होगा। स्थानीय मानस भवन में जेसीआई द्वारा 9 सितंबर से 15 सितंबर तक एक महापर्व का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बाहर से कई स्टॉल आए हुए हैं व कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। जी, हमारा ये जेसीआई घना संस्था है, मतलब इंटरनेशनल संस्था है ये, इसमें है ना जेसीबी एक महापर्व के रूप में मनाया जाता है जो कि 9 सितंबर से 15 सितंबर तक होता है, जिसका आज फर्स्ट डे है, जिसे हम है ना फन फेयर के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें बाहर से कहीं से स्टॉल्स आई है, रुपियाई से, शिवपुरी से, ग्वालियर से, इंदौर सैंडविच वाला भी आया हुआ है और कई सूट ज्वेलरी वगैरह सब हैंडमेड ज्वेलरीज वगैरह भी आई हुई है, काफ़ी सारे आइटम्स है। कुछ खाने पीने की स्टॉल्स भी लगी हुई है यहाँ पर और बाहर के हमारे गेस्ट लोग कैटी वर्कर्स के सभी डायरेक्टर्स वगैरह जैसे भी मेम्बर्स गुना के सभी लोग यहाँ पर फ्रेंड्स वगैरह सभी बहने वगैरह आई हुई है और काफ़ी मेले का आनंद ले रही है। जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र बाग बागेश्वर स्थित कुंड में नहाने के दौरान आज एक युवक की पानी में डूबने से हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। राधोगढ़ में हुई तेज बारिश में आज तेज बहाव में 10 साल का बच्चा बहा, पानी में बहने से बच्चे की हुई मौत। राधोगढ़ में धार्मिक जुलूस पर असामाजिक तत्वों द्वारा फेंके गए पत्थर व कई दुकानों पर की गई तोड़फोड़, दहशत का बना माहौल। भोपाल में ग्रुप ऑफ कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह। पर्यटन पर्व के पावन अवसर पर जैन मिलन राधोगढ़ द्वारा सिंगई जैन मिलन पारमार्थिक ट्रस्ट के सहयोग से किया गया प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन।
ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वधान में आज अब्राहम में जिला स्तरीय कन्वेंशन का शुभारंभ स्थानीय घोसीपुरा स्थित नेशनल पब्लिक स्कूल में हुआ। संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन DYO की जिला कमेटी की ओर से यहां पर एक जिला स्तरीय कन्वेंशन किया जा रहा है, जिसकी प्रमुख मांगे हैं कि सभी सरकारी विभागों में जो लाखों लाख पद खाली पड़े उन पदों पर स्थायी भर्ती करना चाहिए, ठेका प्रथा पर रोक लगाई जाए और स्थायी रोजगार दिया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम से ही हमारी सरकारें जो फॉर्म फीस के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए कमा रही है। एक फॉर्म की फीस 800 से 1000, एक नौजवान साल भर में कितने सारे फॉर्म भरता होगा। हम मांग उठा रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म फीस निःशुल्क किया जाए और साथ ही साथ में जो महिलाओं बच्चों को देश भर में और प्रदेश भर में खासकर जो हमले बढ़ रहे हैं, इसलिए नशा पर और शराब पर पूर्ण रोक लगे, ये मांग AITYO पूरे देश भर में उठा रहा है। इसी मांगों को लेकर हम लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस कन्वेंशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र आए, नर्सिंग स्टूडेंट्स आए हैं,